नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केजरीवाल का मुद्दा, केजरीवाल का एजेंडा, हाँ, आम आदमी पार्टी वाले अब यही बोलने वाले हैं, लंदन तक पहुंच गया है और हुकूमत ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन की सरकार, लिज ट्रुस जो वहाँ की नई प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो अपना पहला ऐलान किया है, पहला अनाउंसमेंट किया है, उसमें केजरीवाल की झलक दिखाई देती है। वहाँ पे जैसे यहाँ मुफ्त बिजली होती है, वहाँ पे भी पहला प्रहार बिजली पर किया गया है और बिजली को लेकर, बिजली नहीं दरअसल एनर्जी पे किया गया है। एनर्जी वहाँ पे, हमारे यहाँ एनर्जी में बिजली ही मेन है, बाकी ऊर्जा के स्रोत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत गैस वैस आती है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का जो बिल है उसको लेकर ही लिज ट्रुस ने सबसे पहले अपनी नीति की घोषणा की है और एक बड़ी वेलफेयर स्टेट वाली घोषणा की है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य का ध्यान रखा गया है। और आज इसी पे वीडियो है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में कैसे बदल रहा है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद का संदेश देने वाले, पूरी दुनिया में तरह तरह से अपना एजेंडा लागू करने वाले, सब्सिडीज के खिलाफ बात करने वाले, अब उस रास्ते पे लौट रहे हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम तक भारत का रास्ता था। हमको तो नरसिंह राव के बाद से लगातार डाल दिया पूंजीवादी रास्ते पे और खुद का रुख बदल रहा है, वेलफेयर स्टेट वापस लौट रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो वहां जीवित हो रही है। मैं अभी हाजिर होता हूं, कहीं मचाइएगा। लिज ट्रुस का जो पहला ऐलान है वो है एनर्जी प्राइस गारंटी, यानी एक कीमत एनर्जी की जो है उसको उन्होंने गारंटी कर दिया है। और गारंटी कैसे किया है उसका उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे लोग हैं ब्रिटेन में इस महंगाई में एनर्जी का खर्चा नहीं उठा पा रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एनर्जी पॉवर्टी यानी जो ऊर्जा से जुड़ी हुई गरीबी है वो खड़ी हो गई है और एक बड़ा संकट आ गया है। ऋषि सुनक ने भी एक पहले योजना एनर्जी से जुड़ी हुई जारी की थी, लेकिन जो लिज ट्रुस लाई हैं प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना, वो सब कुछ बदल लेने वाली है। उन्होंने एक्सपोर्ट फ्यूल पॉवर्टी की वार्निंग दी थी और 1 अक्टूबर से बिजली की यूनिट की अधिकतम दर तय कर दी जाएगी, यानी इससे ज़्यादा महंगी बिजली आप नहीं ले सकते हैं, ये ऐलान कर दिया उन्होंने। और साल भर में 2500 पाउंड से ज़्यादा बिल नहीं आएगा, यानी एक लिमिट तय कर दी है कि किसी भी हालत में किसी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल 2500 पाउंड से ज़्यादा नहीं आएगा, 2500 पाउंड के अंदर आएगा, ये उनका ऐलान है। इसको रुपए में कन्वर्ट करने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, उनके यहाँ 2500 रुपये मान के चलिए, क्योंकि उनके यहाँ पाउंड चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो एक समझ लीजिए उनके यहाँ के 2500 रुपये साल भर अधिकतम लिमिट है एनर्जी की। इसके अलावा एवरेज हर घर में 1000 पाउंड की इससे बचत होने वाली है, जो बिजली का खर्चा है। इससे पहले 3549 पाउंड की सीलिंग थी, प्राइस कैप था, जिसको नीचे कर दिया गया है। और इसका मतलब ये है, और नए जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके ऊपर ये लागू होंगे प्राइस, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए वो अलग पैकेज लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी स्कीम लेके आ रहे हैं। ऋषि सुनक ने $400 की एक एनर्जी सब्सिडी का ऐलान किया था, ये उन लोगों के लिए थी जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी एनर्जी, उनको कहा था कि भाई 400 पाउंड तक हम आपको दे देंगे। और अब जो लिस्ट उसने कहा है कि ये 400 पाउंड की योजना भी जारी रहेगी, इसके अलावा 2500 पाउंड की सीलिंग अलग से रहेगी। 6 महीने का एक सपोर्ट पैकेज तैयार किया जा रहा है जो बिजनेस के उपभोक्ताओं के लिए होगा, यानी जो व्यापारिक बिजली वाले हैं, दुकानदार हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए एक पैकेज तैयार किया जा रहा है। 6 महीने की राहत सरकार प्रोवाइड करेगी उनके लिए। और इसके अलावा जो ना घर हैं ना बिजनेस हैं उनके लिए भी राहत पैकेज। वो क्या होते हैं, जैसे कि चर्च हैं, जैसे दूसरे सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी ज़्यादा भारी बिजली का खर्चा ना पड़े तो उनके लिए भी पैकेज लाया जा रहा है। और एक एनर्जी सप्लाई टास्क फोर्स बनाया गया है, वो टास्क फोर्स जो है
वो यूके के जो वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड थे उनको लगा के बनाया गया है, और ये कह रहा है कि ये टास्क फोर्स तय करेगा कि लोगों को बिजली सस्ती मिले। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कहीं कुछ होता है युद्ध वुद्ध वार वार, उसके बीच में सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, सब कुछ जनता के सर पे डाल दिया जाए, ये किसी भी अच्छी सरकार का काम नहीं है, और इसीलिए वहाँ की सरकार अपने लोगों के बारे में सोच रही है। अब आप कहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आएगा? भाई पैसा हमारे यहाँ तो पैसा आएगा तो वो लेवी लगा दो, हमारे यहाँ तो सेस लगा दो, यानी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, टैक्स पेयर्स की जेब कट जाती है। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी को लेकर एक लेवी लगाई गई थी एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए, कि जब आपका बिजली का बिल आएगा तो उसमें जैसे हमारे यहाँ सेस लगा देते हैं ना, ऐसे लगा दिया गया था, उसको भी सरकार ने हटा लिया है और कहा है लेकिन ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा। 150 बिलियन पाउंड का जो खर्चा है वो खर्चा आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट पे, इस ये जो लोगों को राहत दी जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी, ये पहला सवाल उठता है। हमारे यहाँ इसकी भरपाई कहाँ से होगी इसका जवाब लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन योजना के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो ये रकम है उसको सरकार कर्ज लेगी, लोन लेगी, जब खुशहाली होगी देश में तो पैसे को चुका दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग युद्ध के प्रवर्तक हैं, जिस ब्रिटेन और रूस ने आग लगाई है वहाँ जाके यूक्रेन में, आज वो भी किस हाल में पहुँच गए। लेकिन जो सरकार का एक स्ट्रक्चर होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है, वो इस फैसले से दिखाई देती है। सुनने में अच्छा लगता है कि सरकारें लोगों के बारे में सोच रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ काम की लगी होगी और ये न्यूज़ लोगों को पता होनी चाहिए, तभी लोग कल्पना कर पाएंगे कि दूसरे देशों की तो लोग बात करते हैं, वहाँ भी तो महंगाई है, यहाँ भी तो महंगाई है, अच्छाइयों का भी पता लगे, अच्छाइयों की भी तुलना कर लो तो सही तस्वीर निकल पाएगी। हमें भी पता लगेगा कि हमारे सेवक हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।